एबे आपणको गोटिए प्रार्थना आचार्य आपण निर्धन छात्रको गुरुकुलरु बाहरिबार आदेश फेरै नियंतु आउ समस्तंको समान भोजन दबा पई आदेश दियंतु एवं गुरुकुलरे समानतार साम्राज्य स्थापन करंतु कोशको एते धन आसी जाइछि त केही कोडे काहि कि जिवे कोन कहउछन्ति कुलपति महोदय राजहंस एठिके आसीबा संभव हैला केमिति कोन शिवंको शक्ति एबे भी जाग्रत अछि यदि तांकर शक्ति जाग्रत अछि तेबे मु तांकु एते साधारण भाबीबा उचित नुहे परंतु जदि तांकर स्मृति शक्ति फेरी आसीबो तो लाभ कोन हबो एते बेळकु असुर राज अंधक पार्वती को बंदी करी सारी थिबो जदि पार्वती न रहिबे तो तेबे बालक स्वयं दिने सबरे परिणत हे जिबे जेते बेळे अंधकर कला साम्राज्यर प्रतिष्ठा हबो ये तो बड़ अनर्थ माता एही अनर्थर दंड से दुष्ट को दबा को पड़िबो नाही नंदी आवेश कौनसी भी आक्रमणर प्रत्युत्तर हेइ न थाए विशेष करी महादेवंक अनुपस्थिति रे परंतु से असुर कैलासर पवित्रता को नष्ट करुछि माता कैलास देवादिदेव महादेवंकर बासस्थान एहाकु ना तो केही अपवित्र करिपारिबे आउ ना तो केही नष्ट करिपारिबे दुखी हुअ निनंदी चाहिले भी केही कैलासर अहित करिपारिबेनि एही सत्य सह मु सहमत माता जे केही कैलासर कौनसी अहित करिपारिबेनि परंतु से असुर आम निर्मल स्वच्छ कैलास को प्रदूषित करुछि माता ताकु रोकिबा पाई मोते आज्ञा दियंतु माता मु मो प्रभु को कैलासर दुर्दशा हबार देखि पारिबिनि माता दया करी मोते आज्ञा दियंतु मु तुम आवेगर कारण बुझी पारुछि नंदी तेणु मु तुम भावना उपरे प्रतिबंध लगौ नाही आज्ञा देउछि आपणकर असीम कृपा माता जानिथिले मु जे तुमर हृदय कोमल तुमर हृदय जीव जंतुंकर सर्वनाश हेबार देखि पारिबनी
ये तो केवल एक छोट प्रहार थिला। मोर असीमित शक्तिर जदि या परे भी तुम्हें मो पाख को न आसीब तेबे मु तुमको विवश करि देबी एठिके मो पाख को आसीबा पाई आउ तुमको मो पाख को आसीबा को ही पड़िबो पार्वती माता। से असुर केबे भी शांति रे बसी पारिबोनी, निश्चय से कैलाश ऊपर को आक्रमण करिबो। से कैलाश ऊपर को आक्रमण करिबा पूर्वरु आपण मते आज्ञा दियंतु माता, जेमिति मु तार सर्वनाश करि पारिबि। तार अंत ही एकमात्र समाधान माता। माता, नंदी सत्य कहउचंती? हाँ माता, नंदी को आज्ञा दियंतु, आमे समस्ते तांको सहित जाइ तार अंत कर दबा। केही भी जीवे नहीं। काहीं के माता? कारण युद्धर समाधान युद्ध हेइ न थाए। युद्धर समाधान हेइ थाए हृदय परिवर्तन, विचारर शुद्धिकरण। परंतु माता, दुष्टंकर ना केबे हृदय परिवर्तन हुए ना सेमानकर विचार शुद्ध हेइ थाए। अतीत ए सत्यर साक्षी अछि माता। परंतु एहा कैलास नंदी, तुम प्रभुंकर कैलास, तेणु एठी जहाँ भी हेब महादेवंक अनुरूप ही हेब। युद्ध अंतिम विकल्प होइथाय, तेणु मु प्रथमे ता सहित कथा हेबि। नाही माता, नाही, आपण ता सहित कथा हबाकु जिबेनि। जदि कथा हबाकु जिबार अछि तेबे ता सहित कथा हबाकु मु जिबि। नंदी, तुम्हें कथा हबा परे जदि से न मानंती तो तेबे ताकु मु सेइटी बथ कर देबे ऋषि भृंगी। नाही, महादेवंक अनुपस्थिति रे कैलास आउ तुम समस्तंकर सुरक्षार दायित्व मोर, तेणु अंधक सहित कथा हेबा पई केवल मु जिबि, एहा मोर निष्पत्ति। ये सही स्थान, एही से शत्रु शिवंक वासस्थली जानी। आज जदि सी थांता तेबे तार अंत निश्चय हेइ थांता। नाही वृषभासुर, नाही, मो शिवंकर कथा कहुनी, मो निज कथा कहुची। मु किछि बुझि पारलि नहीं। ये सही स्थान जेउठी मु जन्म नेइथिलि। आपणंक जन्म आउ एठी? हाँ, मोर जन्म एठी। किपरि हेइथिला असुर राज? शिव पार्वतीक क्रीड़ा हेतु उपजिथिबा अंधकाररु, सही अंधकाररु जहाँ शिवंक हृदयरे थाए, सही अंधकार जहाँ संपूर्ण संसारर शेष पर्यंत जाइथाए, सही अनादि अनश्वर अमर अंधकारर उपेक्षित संतान। आजि मु महादेवंकु चकित करिदेबि।
ये कौन? आश्चर्य। असमय अंधकार निश्चय कौन सी अघटनर संकेत। पार्वती कौन हैला महादेव कौन करी देली मु? स्वयं देखिनी पार्वती। यह कौन महादेव? किए नवजात हठात ये केमिति जन्म नहीं गला? अंधकार पार्वती मो ध्यान रे बाधा उत्पन्न हेबारु जो अंधकार उत्पन्न हेला एही बालक सेथिरु जन्म नेला। क्षमा करिबे महादेव मो ध्यान जोगर पूर्ण अवस्था को तुम्हें बाधा देल पार्वती। आउ सही कारण रे अंधकार उत्पन्न हेला जेबे मो निजर निराकार अवस्था रे संपूर्ण सृष्टिर ऊर्जा सहित एकाकार हो जाई थाए सही प्रक्रिया रे कौन सी प्रकार बाधा एक अंतहीन अंधकार को जन्म दे थाए। आपण उचित कहुचंदे महादेव आज आउ थरे पुनः मोर सीमा आपण को विचलित करिछि मोर असंपूर्ण गिरिजा जेबे तुम्हें चक्षु खोली था सेबे सूर्य उदय होंती आउ सही प्रक्रिया रे तुम्हें संपूर्ण अन्य पक्ष रे निराकार ऊर्जा रूप रे मोर जो भूमिका ताहा ब्रह्म अवस्था जो थरे कौनसी प्रकार रो बाधा उचित नुहे। परंतु ये बालकर कौन है बो? अंधकार जन्मित बालकर नाम अंधक हेब आउ तार पिता मोर असुर भक्त हिरण्याक्ष हेब मोर भक्त हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति पाई कठोर तपस्या करुछि बरदान स्वरूप एही बालक को मु ताकु देबी। थरे जदि आदि शक्ति पार्वती को मु मोर बस करदेवी तीनी लोक रे मोर आधिपत्य रहिब। हे महादेव हे शिव शंभु हे भोलानाथ निधन को दया करंतु प्रभु मते रक्षा करंतु महादेव हे भोलानाथ आपण मोर मित्र भोला को काहे कि डाकुचंती
जाओ छाड़ी दियो मते मो दुख भोगिबाकु मोर सहायता केही करि परिबेनी मोर भोला केवल मोर इच्छा पूर्ण करि परिबे मते मित्र भोलांकु सूचना देबाकु हबो मित्र भोला चलो अविलंबे चलो क्यों ठाकु मुढ़ से कृषकता खेत पाखे बस तुम नाम भोला भोला डाकुची से संकट मित्र चलो जेते समस्या जीवन पछे थाए भोलानाथ साथे थिले सब दूरे जाए सब विपद को क्षण मिटांती शरण जे आसे तांकु कोळे नियंती शरण जे आसे तांकु कोळे शिव संपु प्रभु महादेव मते उद्धार करंतु प्रभु सुनंतु मु कदाचित आपनक महादेव नुहे जहाको आपन डाकुचंती आउ शिव संभूत कदापि नुहे मु माता अनसुयांक पुत्र भोला आपण को दर्शन करी परम सुख शांति अनुभव करी पारुचि महादेव मो पाई तो आपण ही शिव मो पाई आपण ही महादेव आपण ही शिव शंभु परंतु कृषक आज्ञा आपण आपणक कांदर कारण तो कुहंतु मु दिन मजुरी श्रमिक महादेव बहु वर्षरु दास जीवन व्यतीत करुछि पाख गांरे महादेवंकर भव्य मूर्ति निर्माण होउछि परंतु मोर मालिक मते मंदिर जिबाकु दउ नाहंती बहुत गुहारी करिबा परे सी एक शर्त रखिछंती जदि मु पूरा खेत को गोटे दिन हल कर देवी तेबे मते से मंदिर जिबाकु देबे आपण निज बळदंकु धरी खेतरे प्रवेश करंतु आपण प्रयास करिबे तेबे त कार्य संपन्न हेब मनरे जिए भोला को डाकती शंभुनाथ तांकर सहर हुवंती स्वच्छ मनरे जिए भोला को डाकती शंभुनाथ तांकर सहर हुवंती जटिल परिस्थिति को शिव सरल करंती फल करी भक्तंकर दुख दूर करंती फल करी भक्तंकर दुख दूर करंती एबे मते मंदिर रे प्रवेश करबाकु केही रोकी परिबेनी आपणक मंदिर आपणक बाहरे नाही आपणक भीतर ही अछि जहां आपणई खेतरे मध्य पाई परिबे सत्य एया छि जेउ मंदिर रे किछि लोकक प्रवेश निषेध करा जाय सेठारे ईश्वर मध्य बास करंती नाही जय जय शिव शंभु जय जय महादेव ये हेउछि समय चक्र आसो पार्वती आसो अंधकार शरणरे
ଅନାଥ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ଶକ୍ତି ସଂସାର କରିଥାଏ ତାକୁ ଭକ୍ତି। ଅନ୍ଧକ ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କେବେଠାରୁ? ନନ୍ଦୀ, ଶାନ୍ତ ରୁହ, ସଂଯମ ରଖ। ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ? ଧନ, ଧରା ଆଉ ନାରୀ, ଏଇ ତ ତିନିଟା କାରଣ ଯୁଦ୍ଧର। ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ପତନ ଏବଂ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ।